उफ, जब भी मैं अपने पापा को अपनी किसी इच्छा के बारे में बताने जाता हूँ तो बहुत डर लगता है। ठीक से कुछ भी नहीं कह पाता हूँ और मेरे पापा भी खुद से समझ नहीं पाते हैं। आखिर में मुझे ही डांट पड़ती है। मैं क्या करूँ? आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कुछ ज़रूर फील किया होगा, चाहे आपको कुछ खरीदना है या फिर कुछ नया सीखना है, या अपने मम्मी पापा की पसंदीदा सब्जेक्ट को छोड़कर कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। इन सभी मामलों में आपको हमेशा ऐसी ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। या तो आप अपने मम्मी पापा को समझ नहीं पा रहे हैं या वे नहीं समझना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम आज इस लाइफ प्रॉब्लम की सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, क्या आपको पता है अनअकैडमी लाया है लर्निंग फेस्टिवल विद 45 डे प्लस सब्सक्रिप्शन एट जस्ट ₹299 फॉर IIT JEE, NEET UG एंड क्लास 8 टू 12th। ये ऑफर सिर्फ आज यानी 30th अप्रैल के लिए ही वैलिड है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलेगा लाइव क्लासेस विद टॉप एडुकेटर्स, गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन, 24/7 डाउट सॉल्विंग, पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग भी। इसलिए जल्दी कीजिए और इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जाकर अपने पेरेंट्स को ऑफर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बताइए। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कोड लाइफ यूज करें और अनअकैडमी में एनरोल करें, क्योंकि मेरा ये कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो दोस्तों, एक्ट फर्स्ट टू सेव नाउ। तो अभी वापस वीडियो पे लौट आते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आज की 21वीं सदी में ज्यादातर लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, हर कोई एक दूसरे को समझाना चाहता है। हो सकता है कि आप इस मामले में भी यही कर रहे हो, क्योंकि आपके मम्मी पापा दोनों ने आपको बचपन से पाला है, उन्होंने आपका बचपना देखा है, इसीलिए वे आप पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते कि आप असल में लाइफ को लेकर सीरियस है और आप अपने लिए सोच रहे हैं। वे आज ऐसे बिहेव कर रहे हैं क्योंकि जिस समय वे पैदा हुए थे वो दौर अलग था, और उन्होंने लाइफ में जो कुछ एक्सपीरियंस किया है उसके कारण आपके और उनके बीच एक जनरेशन गैप होना एक नॉर्मल बात है। क्या आपने एक बार भी सोचा है कि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन उनके समय क्या यूट्यूब नाम की कोई भी चीज़ थी? इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि वे क्या सोचते हैं। एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। तो आइए अब इस लाइफ प्रॉब्लम के बारे में कुछ स्मार्ट आइडियाज़ पर आते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, क्लैरिटी इक्वल्स टू कन्विंस। जरा सोचिए, अगर आपको किसी को पबजी या क्लैश ऑफ क्लैन गेम समझाना है तो आप किसी को भी आसानी से समझा सकते हैं, है ना? क्योंकि आपने उन गेम्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया है और आपको उनके बारे में बहुत सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। क्या आप अपने मम्मी पापा के सामने जो प्रपोजल रख रहे हैं, आपके पास उसकी पूरी जानकारी है? वीडियो को पॉज करके एक बार सोचे। अगर नहीं तो आपको समझाने में जो मुश्किलें आ रही हैं वो नॉर्मल है, इसीलिए आपको पहले उस विषय पर सारी जानकारी हासिल करना होगा। मान लीजिए आपने तय किया है कि आप 10th के बाद साइंस नहीं कॉमर्स लेकर आगे की पढ़ाई करेंगे, तो आप क्यों उस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना चाहते हैं? हो सकता है कि आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, लेकिन क्या आपके घर में कोई ये जानता है? कॉमर्स पढ़ने का प्लस माइनस क्या है? आपको ये क्यों पसंद है? अगर आपको ये सब क्लियरली मालूम है तो आप उन्हें आसानी से समझा सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, मोर एक्सपीरियंस इक्वल्स टू मोर विजडम। आपके मम्मी पापा ने आपसे ज़्यादा इस दुनिया को देखा है, इसलिए दुनिया और समाज के बारे में उनके विचारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए वे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में आपके माता पिता के अलावा कोई भी आपको सेल्फलेस तरीके से प्यार नहीं करता है, इसलिए आपको उनके अनुभव को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हो सकता है कि आप अपने लिए जो सोच रहे हैं वे पूरी तरह से गलत हो, लेकिन आपको इसका नतीजा लॉन्ग टर्म में मिलेगा, और इसलिए वे आपको चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको उसी के मुताबिक उन्हें अपनी बात समझानी होगी। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, साइड हसल। आइए पिछले एग्जाम्पल के बारे में फिर से सोचे। मान लीजिए आपके पापा आपके कॉमर्स पढ़ने से सहमत नहीं है और आपको साइंस पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? आज की दुनिया में क्या ये बहुत मुश्किल काम है? अपने आप से ये सवाल पूछे। जो लोग सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं, क्या उन सभी ने कॉमर्स पढ़ा है?
तो आजकल जहां कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चुटकियों में पॉसिबल है, आप आसानी से बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ सकते हैं और उसके साथ अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको अपने मम्मी पापा से सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने काम से उनका विश्वास जीतना होगा, तभी आप उन्हें मना पाएंगे। क्योंकि माता पिता ऐसे ही नहीं मानते, उन्हें मनाना पड़ता है। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब समय है एक कड़वा सच सुनने का। अच्छा ये बताइए कि आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो इस महीने का इंटरनेट रिचार्ज किसने किया, या जिस मोबाइल या लैपटॉप पर आप वीडियो देख रहे हैं वो किनके पैसों से खरीदा गया है। इन सब का जवाब आपके मम्मी पापा हैं, तो अभी आप पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर हैं, इसीलिए उन्हें इस स्थिति में मनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आपको खुद को उसकी जिम्मेदारी लेना होगा। हो सकता है कि आप गिटार सीखना चाहते हैं लेकिन घर पर कोई आपको नहीं खरीद के दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से पैसे बचा सकते हैं या पैसे कमा भी सकते हैं और खुद गिटार खरीद सकते हैं। और उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर स्टूडेंट लाइफ में कैसे पैसा कमा सकते हैं इस टॉपिक पर बने वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप किसी दोस्त से पुराना गिटार उधार लेकर खुद की गिटार प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से जुगाड़ू माइंडसेट अपनानी होगी। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, इमेजिन फेलियर। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आप अपने मम्मी पापा को कब समझाएंगे और उनकी सहमति लेने के बाद काम करेंगे, तो आप कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। एक सेकंड के लिए सोचकर देखें क्या करना सही होगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना या हाथ में हाथ डाले बैठे समय बर्बाद करना। इसीलिए जब भी आप निराश महसूस करते हैं या फिर आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर खुद से कहिए, मुझे अपने ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी है। मेरे मम्मी पापा शायद इसे अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन वे ज़रूर समझेंगे। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करके आप उनकी मदद करें, और मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।